एसी को लेकर बहुत तरीके के डाउट लोगों के मन में होते हैं, तो उन्हीं पर आज बात करेंगे। तो तीनों तरीके के मिसकॉन्सेप्शंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ऑटो डायरीज में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जितनी ज़रूरी हमारे लिए एक कार है, उतना ही ज़रूरी कार का एसी भी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कार चाहेगा लेकिन कार के साथ एसी नहीं चाहेगा, क्योंकि एसी जो है वो कार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल एलिमेंट है आज के टाइम में। तो लेकिन एसी को लेकर बहुत तरीके के डाउट लोगों के मन में होते हैं, तो उन्हीं पर आज बात करेंगे, जिनके में तीन तरह के डाउट जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि एसी के फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा करने से क्या हमारे फ्यूल पर एवरेज पर कोई फ़र्क पड़ता है। दूसरा डाउट, क्या एसी की कूलिंग कम या ज़्यादा करने पर हमारे एवरेज पर कोई असर पड़ेगा। और तीसरा डाउट कि अगर हम एसी यूज़ ही ना करें तो क्या हम अपना काफ़ी फ्यूल बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एवरेज मिल जाएगा हमको। तो इन्हीं पर आज बात करेंगे दोस्तों, बने रहेगा हमारे चैनल पर, आइए। तो तीनों तरीके के मिसकॉन्सेप्शंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले डाउट की कि क्या एसी की जो हमारी फ़ैन स्पीड है उसे कम या ज़्यादा करने से हमारे जो एवरेज पर कोई असर पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो एसी होता है वो कनेक्टेड है हमारे इंजन से, और जो हमारा फ़ैन है वो चलता है हमारा बैटरी से। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों मैकेनिज़म। तो अगर हमारा एसी आपने एक बार हमारा एसी स्टार्ट हो जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, इंजन हमारा स्टार्ट है, एसी हमारा स्टार्ट है, उसका फ़ैन से कोई मतलब नहीं है, फ़ैन हमारा बैटरी से चल रहा है। तो अगर हम फ़ैन की स्पीड एक कर दें, दो कर दें, तीन कर दें, चार कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे एवरेज पर, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर है वो इंजन से चल रहा है और वो बाकायदा बिल्कुल चालू है, अपने चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं कि एसी की अगर हम स्पीड फ़ैन स्पीड अगर हम कम कर देते हैं तो हमें एवरेज अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये गलत है, बिल्कुल गलत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो बिल्कुल सेपरेट मैकेनिज्म है दोनों का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हमारा फ्यूल बढ़ेगा या हमारा माइलेज बहुत ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे डाउट का, जो लोगों का सबसे बड़ा डाउट है। जितने भी कार चलाने वाले लोग हैं उनमें 80-90% यही सोचते हैं कि अगर हम कार की कूलिंग कम कर देंगे, टेम्परेचर हम कार का कम कर देंगे, तो हमारा बहुत सारा फ्यूल बच जाएगा या हमारा एवरेज बहुत अच्छा आएगा या माइलेज अच्छा आएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो आप अगर हमारा जो कार का एसी एक बार चालू हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया एसी कनेक्टेड है हमारा डायरेक्ट इंजन से, फ़ैन कनेक्टेड है बैटरी से। तो दोस्तों एक बार आपका इंजन चालू हो गया तो कंप्रेसर चालू हो जाता है। दो तरह की कोईल लगी होती हैं जो हमारे फ़ैन है, एक हॉट कोईल और एक कोल्ड कोईल। तो अगर आप इसका अगर कोल्ड इसे आप कूल करते हैं गाड़ी के अपने इसको टेम्परेचर को कूल करते हैं तो हवा जो आती है वो कोल्ड कोईल के थ्रू आती है, जो हमारी कूल वाली कोईल लगी हुई है। और अगर आप इसे सर्दियों में जैसे आप गर्म यूज़ करते हैं तो आपकी जो हवा आती है गाड़ी की वो आती है हॉट कोईल के थ्रू। तो इसमें लेकिन कंप्रेसर बराबर चालू है, कंप्रेसर हमारा एक बार इंजन होने के बाद चालू है, तो कूलिंग आप कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, उसका एवरेज पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बहुत सारा फ्यूल बचा पाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा एवरेज आपको मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा डाउट है लोगों का कि अगर हम अपने गाड़ी का एसी यूज़ ही ना करें, हम गाड़ी का मतलब गर्मी कितनी ही गर्मी पड़ रही हो, गर्मी में लोग मर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग जो हैं अपना एसी यूज़ नहीं करते ताकि वो कुछ फ्यूल बचा सकें। तो वो सोचते हैं कि काफ़ी उनका फ्यूल बच जाएगा, एवरेज अच्छा आ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आपकी गाड़ी चल रही है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपका अगर आप गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करा हुआ है और तब अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो आपका जो फ्यूल है फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, इसका अगर आप अपनी गाड़ी ऐसी जगह चला रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रश है या बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा मतलब आपका सिटी एरिया है, वहाँ आपके फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा होगा अगर आप एसी पर कार चलाएंगे। लेकिन आपकी खाली रोड है, हाईवे है, वहाँ अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं कार चलाते वक्त, तो आपका कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो दोस्तों कंक्लूजन निकल कर यही आता है कि इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एसी ऑन या ऑफ होने से। तो कृपया करके गर्मी में मत मरिए आप, और बहुत से लोग होते हैं जो गर्मी में सड़ रहे हैं लेकिन फिर भी एसी नहीं चलाते गाड़ी का। तो कृपया करके एसी अगर गाड़ी में दिया तो यूज़ कीजिए उसका। तो मेरी यही आपसे आग्रह रहेगा कि इन सब मिसकंसेप्शंस को लेकर अपनी जर्नी को बैड जर्नी ना बनाएं, कृपया एसी का यूज़ करें और उसे हैप्पी जर्नी बनाएं। तो आप इतना से अपनी गाड़ी को ड्राइव कीजिए विद एसी। तो आइए दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल आशीष ऑटो डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा अगर आपको लगता है हमारी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव होती है आपके लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको और भी आने वाली हमारी रोचक वीडियो आपको मिलती रहें और इस तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर हम देते रहते हैं। गुड बाय दोस्तों, नमस्कार।